ओके ओके, मैंने आपके ग्रुप पे मैसेज डाल दिया है कि ज्वाइन होना है क्विकली। सो सबको फिर एक बार गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। तो हमने लास्ट टाइम शुरू करा था नया चैप्टर सर्कुलेशन एंड बॉडी फ्लूइड्स, राइट? दैट इज यस बॉडी सर, फ्लूइड सर्कुलेशन, राइट? तो हमने बॉडी फ्लूइड के बारे में हम लोग जान रहे थे कि द मेन बॉडी फ्लूइड ब्लड है एंड अदर बॉडी फ्लूइड लिम्फ है। तो ब्लड के अंदर क्या क्या होता है? दो चीजें होते हैं, सो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड दैट इज मेड अप ऑफ 55% प्लाज्मा, दैट इज द लिक्विड पार्ट, एंड 45% सेल्स, दैट इज द फॉर्ड मिलेमेंट्स दैट वी हैव सीन। ओके, सो प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ 90 to 92% वॉटर एंड 8 to 10% सोल्यूट, आउट ऑफ विच 6 to 8% आर प्रोटीन्स एंड सम अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक आयंस एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट ऑल्सो प्रेजेंट। सो ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एटसेट्रा प्रेजेंट इन द ट्रांजिट अमाउंट, दैट इज देयर कंपोजिशन इज नॉट, देयर अमाउंट इज नॉट फिक्स, दैट इज डिपेंड ऑन योर डाइट, ओके, व्हाट यू हैव ईटन। ओके, सो द मेजर प्रोटीन्स है वो अल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। अल्ब्यूमिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द ब्लड, ग्लोबुलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंस एक्टिविटी, इम्यून इम्यून मैकेनिज्म, एंड फिब्रिनोजेंस आर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। फॉर्ड मिलेमेंट्स आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। सो आरबीसीज और रेड ब्लड सेल्स, दीज आर द मोस्ट एबंडेंट ब्लड सेल्स। अप्रोक्सीमेटली 5 to 5.5 million आरबीसीज आर प्रेजेंट पर डीएल ऑफ द ब्लड। डायमीटर उसका है 7.5 माइक्रोमीटर, एंड इफ देर इज इंक्रीज इन द आरबीसी नंबर देन द नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइटोसिस और पॉलीसाइथीमिया। एथलेट्स के बॉडी में हो सकते हैं ज्यादा आरबीसी, या अगर हिली रीजन में गए तो भी ज्यादा आरबीसी हो सकते हैं। तो इफ देर इज डिक्रीज इन द आरबीसी दैट इज कॉल्ड एज इरिथ्रोपेनिया एंड दैट लीड टू एनीमिया, दैट इज डिक्रीज आरबीसी एंड डिक्रीज हिमोग्लोबिन। सो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में आरबीसी आर प्रोड्यूस इन द स्प्लीन एंड द लीवर, बट आफ्टर वर्क दे आर प्रोड्यूस्ड इन द रेड बोन मैरो। सो अप्रोक्सीमेटली 120 डेज का लाइफ स्पैन है, आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड मेजरली इन द स्प्लीन, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, एंड दे आर ऑल्सो किल्ड इन साइड द लीवर। स्प्लीन स्टोर करता है आरबीसी को, सिर्फ आरबीसी को नहीं, ब्लड को स्टोर करता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या ब्लड को स्टोर करता है, एंटायर ब्लड को स्टोर करता है, नॉट ओनली आरबीसी। ओके, तो स्प्लीन स्टोर आरबीसी एंड एंटायर ब्लड, ब्लड स्टोर। ओके, सो मैमिलियन एडल्ट आरबीसीज आर विदाउट न्यूक्लियस, सो दे आर बायकॉनकेव डम्बल शेप। ओके, एंड 12 to 16 ग्राम पर डीएल ऑफ द हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन द आरबीसी। ओके, सो दैट वी हैव सीन दिस थिंग्स इन द प्रीवियस लेक्चर। तो क्या सबको आरबीसी वाला चैप्टर आई मीन टॉपिक क्लियर है? यस सर, ओके, अगर आरबीसी क्लियर है तो थम्स अप कर सकते हैं। वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डब्ल्यूबीसी। यस, ऑन फास्ट, वी डोंट हैव टू मिस टाइम। मैंने रिवाइज कर दिया एक बार आरबीसी फिर से, तो इफ इट इज क्लियर देन यू कैन थम्स अप। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, डेफिनेटली डेफिनेटली पूछ सकते हो। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी जा सकते हैं, मतलब डब्ल्यूबीसी। ओके, सो डब्ल्यूबीसीज आर व्हाइट ब्लड सेल्स और दे आर आल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट। सो व्हाई दे आर कॉल्ड एज व्हाइट? बिकॉज दे डू नॉट हैव हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, डब्ल्यूबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता, सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट हैविंग कलर, दे आर कलरलेस। आरबीसी का नंबर बहुत ज्यादा होता है, हमने देखा कि आरबीसीज आर मोस्ट एबंडेंट ब्लड सेल्स, लेकिन सबसे कम जो सेल्स होते हैं ब्लड में वो होते हैं डब्ल्यू बी सॉरी डब्ल्यू बी सी, ल्यूकोसाइट्स।
तो पर एमएम क्यूब या पर डेसीलीटर ऑफ द ब्लड, पर 100 ml ऑफ द ब्लड 6000 to 8000 WBC होते हैं। पुरानी एनसीईआरटी में ना ये फिगर थोड़ा अलग दिया था, 6000 to 11000 दिया था, तो ये अभी 6000 to 8000 दिया है एनसीईआरटी ने फिगर, सो यू कैन गो विद दिस फिगर ओनली। तो हमने देखा कि आरबीसी का लाइफ स्पैन है लगभग 120 days, लेकिन डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है। ओके, तो आई एम नॉट गिविंग द पर्टिकुलर लाइफ स्पैन बिकॉज देर आर आरबीसी का एक ही टाइप होता है ना, देर आर नॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरबीसी, बट आरबीसी बहुत ज्यादा है लेकिन उनका एक ही टाइप होता है, ओनली वन टाइप ऑफ आरबीसी। बट डब्ल्यूबीसी का टाइप सबसे कम नंबर है डब्ल्यूबीसी का, लेकिन सबसे ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी है। तो अलग अलग डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है, लेकिन सबका तो एज कम्पेयर टू आरबीसी सब डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होता है। तो इस डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना ही काफी है आपके लिए कि दे हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन, किसी का थोड़ा कम होगा थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन इन कंपैरिजन टू आरबीसी दे हैव वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन। हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग? यस सर। यस सर। ओके ओके। तो शेप इरेगुलर है आरबीसी का, तो शेप आपको पता था राउंड, मतलब राउंड है, राउंड था, बाइकॉनकेव था, अंडरस्टैंड, डंबल शेप था। बट डब्ल्यूबीसी का शेप जो है ना वो एक रेगुलर शेप नहीं है, अलग अलग डब्ल्यूबीसी का अलग अलग शेप है, और सब आरबीसी का एक ही साइज था 7.5 माइक्रोमीटर। ये डब्ल्यूबीसी जो है ना वो बड़े सेल होते हैं एज कम्पेयर टू आरबीसी, बट अलग अलग डब्ल्यूबीसी का शेप जो होता है वो अलग अलग होता है, थोड़ा थोड़ा अलग होता है। सो न्यूक्लियस इज पॉलीमॉर्फिक, मतलब हमें पता है कि अलग अलग डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस का जो शेप है मॉर्फिक, मंजे मींस मॉर्फोलॉजी मींस फॉर्म। ओके, पॉली मींस मेनी, सो मेनी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। किसी का न्यूक्लियस ट्विस्टेड होता है, किसी के न्यूक्लियस में ज्यादा लोब्स होते हैं। ओके, तो सब इसका न्यूक्लियस जो है वो पॉलीमॉर्फिक है। अंडरस्टैंड, द न्यूक्लियस ऑफ द डब्ल्यूबीसी इज पॉलीमॉर्फिक, मींस मेनी डिफरेंट शेप्स होते हैं, कोई कोई डब्ल्यूबीसी का न्यूक्लियस लोबुलर होता है, उनके पास लोब्स होते हैं, किसी किसी के लोब्स नहीं होते। तो सबके पास लोब्स तो नहीं है, लेकिन सबका अलग अलग न्यूक्लियस का शेप है, मॉर्फोलॉजी न्यूक्लियस का डिफरेंट है। सो पॉली मींस मेनी, मॉर्फिक मींस डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट मॉर्फोलॉजी, डिफरेंट शेप्स। अगर डब्ल्यूबीसी का नंबर इंक्रीज होता है ना तो उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। तो ये कब होता है ल्यूकोसाइटोसिस? इफ देयर इज एनी इंफेक्शन, राइट? यस सर। कोई इंफेक्शन है तो उसको कम करने के लिए, क्योंकि डब्ल्यूबीसीज आर सोल्जर सेल्स ना, तो बढ़ते हैं। यस सर। लेकिन कुछ हद तक बढ़ते हैं, एक लिमिट तक बढ़ते हैं। मतलब अगर आपने डब्ल्यूबीसी का काउंट कर लिया, आपका ब्लड का प्रोफाइल किया और उसमें ज्यादा डब्ल्यूबीसी का नंबर है, तो उसका मतलब है आपके बॉडी में कोई ना कोई इंफेक्शन हो सकता है, लेकिन एक लिमिट के बाहर भी इंक्रीज हो सकता है। बहुत एबनॉर्मली हाई होता है, दैट इज द इंडिकेशन ऑफ अ ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया इज टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। अगर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है डब्ल्यूबीसी, सो दे इट कैन बी इंडिकेट एन इंडिकेशन ऑफ ब्लड कैंसर, दैट इज कॉल्ड एज ल्यूकेमिया। बहुत ही नॉर्मल से भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इंफेक्शन में जितना होता है उससे भी ज्यादा बढ़ गया है, तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है ल्यूकेमिया का, ब्लड कैंसर का। अगर नंबर कम हुआ नॉर्मल से तो उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपेनिया। देखो, साइटोसिस इंक्रीज, साइटोपेनिया डिक्रीज, कहां पे भी आया वर्ड पेनिया, तो डिक्रीज है नंबर। तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सब जो सेल्स है ब्लड के, वो सबके सब सेल्स रेड बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज हीमोपोएसिस। ओके, तो बर्फ के पहले, मतलब जब वो एम्ब्रियोनिक कंडीशन है, तो सारा का सारा ब्लड जो होता है वो स्प्लीन में एंड लीवर में प्रोड्यूस होता है, तो डब्ल्यूबीसी वहां पे प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन जैसे ही बर्थ हुआ, तो आरबीसी हो या डब्ल्यूबीसी हो या कोई भी ब्लड का सेल हो, ऑल दे आर गोइंग टू फॉर्म इनसाइड द रेड बोन मैरो। सो द डब्ल्यूबीसी इज इन एडल्ट, सॉरी इन आफ्टर बर्थ ऑल्सो प्रोड्यूस इन द रेड बोन मैरो। इज इट क्लियर? यस सर। सबको ये स्लाइड क्लियर है क्या? अगर इतना जनरल इन्फॉर्मेशन आपको डन है, देखो इसमें ना अंडरस्टैंडिंग थोड़ा थोड़ा है,
लेकिन सब ये जो मतलब याद रखने का बहुत ज्यादा है, याद रखने का तो बहुत ज्यादा है, तो आपको इस पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार लिखना पड़ेगा। और आपको मतलब ये ना जो जो फिगर्स अलग अलग है ना, वो लिख के करना होगा। बायोलॉजी को ऐसा मत समझो कि आप सिर्फ आंखों से पढ़ेंगे और बायोलॉजी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे कि मैथ्स के या फिजिक्स के या फॉर्मूले, आप डेरिवेशन या फॉर्मूले आप लिख के करते हो ना, करते हो कि नहीं, कि सिर्फ पढ़ के करते हो? मैथ्स फिजिक्स कैसे करते हो, लिख के करते हो, पढ़ के करते हो? सर लिखिए लिखिए लिख के करते हो ना। यस यस, किसी ने हैंड रेस किया? सर। यस जैसे WBC होते हैं वो, जैसे इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, हाँ सही, इतने अलग अलग टाइप के होते हैं, जबकि काम तो इनका सिर्फ एक ही होता है कि इन्फेक्शन और डिसीज से फाइट करना। हाँ 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 मैं समझा दूंगा, आगे जाके आगे आएगा वो पॉइंट। ठीक है, यस सर। डब्ल्यूसी खत्म नहीं हुआ अभी, एक एक स्लाइड मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको। अभी ये इन जनरल सब डब्ल्यूसी के लिए हुए है ना, ये अभी अलग अलग डब्ल्यूसी के लिए एक बार में हम लोग सोचेंगे। ठीक है, यस सर। ओके। तो मैं क्या पूछ रहा था आपको बच्चों, कि आप फिजिक्स या मैथमेटिक्स कैसे करते हो? लिख के करते हो ना, सिर्फ पढ़ के करते हो आंखों से? सर लिख के लिख और बहुत बार आप ये फॉर्मूला की प्रैक्टिस करते हो ना, डेरिवेशन की, बहुत बार लिखते लिखते जाते हो ना। यस सर। हाँ, और केमिस्ट्री का भी ऐसे करते होगा ना, चाहे कोई रिएक्शन हो या यस कोई सर। डेरिवेशन हो उसकी, यस कोई, सर। तो बायोलॉजी का भी वैसे ही करना है। थ्योरी का हो या ऐसे कोई फिगर्स है, कोई कोई डेटा है, जैसे कि इधर डेटा है ना, कि नंबर्स है, फिगर्स है, अलग अलग मतलब ये है, साइज शेप ये है, सब ये सब जो होता है वो आपको, और नॉर्मल थ्योरी भी आपको लिख के पढ़नी है, सिर्फ पढ़ने नहीं है। ठीक है, यस अरे कोई तो यस बोलो। सर। यस यस हाँ, ऐसे सर। यस सर। थ्योरी की जगह तरफ पढ़ोगे ना तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यस सर। बायोलॉजी समझने में आसान है वैसे, लेकिन वो याद रखने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो बहुत बच्चे ये भूल जाते हैं अलग अलग चीजें। वो पढ़ते हैं तो उनको इजी लगता है, अंडरस्टैंड भी हो जाता है बहुत सारा, लेकिन सबसे सबसे क्या बात होती है कि वो भूलते हैं। क्यों भूलते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि ये तो यार इजी है, ये तो 6,000 to 8,000 ही है, लेकिन अभी के लिए ठीक है, लेकिन आप बहुत टाइम नंबर 6,000 to 8,000, 6,000 to 8,000 ऐसा सेंटेंस लिख के करना है, तो ये मेमोरी में बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बैठता है। और बीच बीच में इस तरह के पॉइंट होते हैं ना, इस तरह के, ये नंबर वाले, साइज वाले, शेप वाले, मतलब जो भी डेटा होता है ना, डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है, वो बीच बीच में पढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, नहीं तो भूल जाते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, कंसेप्ट यस सर। को बहुत अच्छा अंडरस्टैंड करना है, और कंसेप्ट को भी बहुत बार पढ़ना है, लिख के पढ़ना है, फ्लो चार्ट बना के पढ़ना है। ठीक है, यस सर। ओके ओके। सो इतना डब्ल्यू सी क्लियर है सबको? सर। यस सर। ओके, विल सी द नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट। स्लाइड चेंज हो गया? यस सर। यस सर। ओके, नाउ वी कंसीडर द टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी कितने टाइप के होते हैं? तो मेनली दो टाइप के होते हैं, सॉरी 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 सॉरी, यस। आरजी चाबी ग्राउंड गाड़ी पाने के वाला रिमूव नहीं। अरे बर्फ बंद कर। हाँ हाँ बर्फ बंद कर, बंद कर, काय चालू करता तो काय बोलेगा?
Yes, so there are two types of WBCs, granulocytes and agranulocytes. ये दो प्रकार के होते हैं WBC. Okay, there are two types of WBCs called as granulocytes and agranulocytes. So granulocytes का मतलब क्या है कि ये जो cells है ना, ये cells के अंदर सेल्स है ना, इसके सेल्स के अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस भी है और उसके साथ कुछ क्या है, ग्रैन्यूल्स भी है, ग्रैन्यूल्स है. साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म क्लीन नहीं है, ग्रैन्यूल्स है. और वो जो अग्रैन्यूल्स है ना, अग्रैन्यूलोसाइट्स, उसके अंदर साइटोप्लाज्म में कुछ ग्रैन्यूल्स नहीं, सिर्फ न्यूक्लियस ही है. ठीक है? यस सर. सो ग्रैन्यूलोसाइट्स मतलब साइटोप्लाज्म शोज ग्रैन्यूल्स और साइटोप्लाज्म डज नॉट शो एनी ग्रैन्यूल. क्लियर? यस सर. सो हम लोग अभी पहली बात करेंगे ग्रैन्यूलोसाइट्स की, ग्रैन्यूलोसाइट्स की बात करेंगे अभी. तो ग्रैन्यूलोसाइट्स एक्चुअली तीन टाइप के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल या एसिडोफिल एंड बेसोफिल. न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल या एसिडोफिल एंड बेसोफिल. तो न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं, देखो ये जो ग्रैन्यूल्स है ना, उन ग्रैन्यूल्स में कुछ केमिकल्स होते हैं. ये केमिकल्स या तो फिर एसिडिक होते हैं या फिर बेसिक होते हैं, अल्कलाइन होते हैं. अगर वो एसिडिक है ना, तो वो कौन सा डाई एब्सॉर्ब करेंगे, आप मुझे मुझे बोल दो, कौन सा केमिकल एब्सॉर्ब करेंगे अगर वो एसिडिक एसिडिक है. ग्रैन्यूल्स एसिडिक है, सब मुझे ग्रैन्यूल्स है और ये ग्रैन्यूल्स एसिड एसिड से बने, एसिडिक कंपाउंड से बने, तो वो कौन से डाई से कौन सा स्टेन या कलर एब्सॉर्ब करेंगे, एसिडिक वाला या बेसिक वाला? क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर, रिपीट. अगर ये ग्रैन्यूल्स का केमिकल नेचर एसिडिक है, तो कौन सा केमिकल या डाई या कलर एब्सॉर्ब करेंगे, खुद एसिडिक है तो क्या एब्सॉर्ब करेंगे, एसिडिक केमिकल या बेसिक केमिकल? एसिडिक सर. एसिडिक अपोजिट टाइप का एब्सॉर्ब करेंगे. अगर एसिडिक है तो बेसिक एब्सॉर्ब करेंगे, अगर बेसिक है ग्रैन्यूल्स तो वो एसिडिक केमिकल एब्सॉर्ब करेंगे. क्लियर है? यस सर. अपोजिट टाइप का. ओके, तो अगर ये ग्रैन्यूल्स एसिडिक है तो क्या करेंगे, एब्सॉर्ब, क्या करेंगे, एब्सॉर्ब बेसिक डाई. डाई मतलब एक कलर होता है. हाँ, बेसिक डाई या स्टेन, बेसिक डाई. लेकिन अगर ये बेसिक है ना, अगर ये बेसिक है तो ये क्या एब्सॉर्ब करेंगे, एसिडिक. अपोजिट का एसिडिक डाई एब्सॉर्ब करेंगे, अपोजिट का. तो इओसिनोफिल की बात करें हम लोग, एसिडोफिल की, तो उनको एसिडोफिल क्या क्यों बोलते हैं, फिल मतलब लविंग, फिलिक, पता है ना आपको, फिलिक का मतलब क्या होता है, फिलिक फोबिक. हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर में डिजॉल्व होते हैं, वाटर लविंग. हाइड्रोफोबिया मतलब ये अवॉइड करते हैं, फोबिया डरते हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, डरते हैं. तो हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर में डिजॉल्व नहीं होते. तो एसिडोफिलिक या इओसिनोफिलिक, फिलिक मतलब लविंग, तो वो कौन से स्टेन को एब्सॉर्ब करेंगे, एसिडिक स्टेन को एब्सॉर्ब करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे. यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर. ओके, सो दे कैन बी स्टेन बाय एसिडिक स्टेन. फॉर एग्जांपल इओसिन, इओसिन यहाँ ये रेड कलर का स्टेन होता है, रेड या पिंक कलर का स्टेन होता है, जिसका खुद का प्रॉपर्टी एसिडिक है. इसका मतलब एसिडोफिल के अंदर कौन से ग्रैन्यूल्स है, बेसिक या एसिडिक, क्या बोला मैं, एसिडोफिल सेल्स एब्सॉर्ब एसिडिक स्टेन, तो उनके अंदर कौन से ग्रैन्यूल्स है, बेसिक होंगे या एसिडिक होंगे, बेसिक होंगे. ओके, तो एसिडोफिलिक मतलब क्या, फिलिक मतलब लविंग, तो वो कौन सा स्टेन एब्सॉर्ब कर देंगे, करेंगे कौन सा स्टेन को अट्रैक्ट करेंगे, एसिडिक स्टेन को. इओसिन एक एसिडिक स्टेन है, तो उसको एब्सॉर्ब करेंगे वो, मतलब वो खुद, उनके पास जो ग्रैन्यूल्स है वो कौन से रहेंगे, बेसिक रहेंगे. कौन से रहेंगे, बेसिक रहेंगे. डन? हाँ, इतना जान दो, आप दिमाग में रखो. तो इनका नंबर कितना होता है, इनका नंबर होता है 2-3% टोटल WBC में.
मतलब जितने भी सारी डब्ल्यूबी से है उनमें उनका नंबर परसेंटेज 2 से 3% हो सकता है। तो आप इनका नंबर निकाल सकते हो ना, सपोज 6,000 है टू 8,000 है, ये इनका टोटल नंबर है डब्ल्यूबीसी का। तो 6,000 में या 8,000 में 2% कितना होता है या 3% कितना होता है, ये आप निकाल सकते हो अगर क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा करके पूछा तो। आपको टोटल पता चाहिए, ओके 6,000 आप एक फिगर ले लो इज इक्वल टू 100, ओके या 100 इज इक्वल टू 6,000, तो 2 इज इक्वल टू कितना, या सर निकाल सकते हो बाद में 3 लेके निकाल सकते हो। तो आप इतना परसेंटेज रेंज रेंज में उसका नंबर निकाल सकते हो, निकाल सकते हो कि नहीं, यस सर। ओके तो परसेंट को आप टोटल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर ये ऐसे कभी पूछा नहीं है लेकिन सपोज उनको आप पूछ सकते हो ना, क्योंकि आप आपको उनका उनको मतलब देखना होगा कि आपको पूरा नंबर है कि नहीं है पता। तो 2 से 3% होंगे नॉर्मल ह्यूमन के ब्लड में एसिडोफिल, और ये एसिडोफिल या इओसिनोफिल जो होंगे ना उनका न्यूक्लियस में 2 लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं? 2 लोब होते दो हैं, 2 लोब होते हैं, ओके। और ये एसिडोफिल या इओसिनोफिल का फंक्शन क्या है दिया है, एनसीईआरटी की लाइन है, देखो क्या दिया है कि दे रेजिस्ट इन्फेक्शन, मतलब अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसको रेजिस्ट करते हैं, उसको रेजिस्टेंस करते हैं इओसिनोफिल, एंड दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन में वो इन्वॉल्व होते हैं, एलर्जिक रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है ना तो एलर्जिक रिएक्शन को कम करने में, ओके कम करने में एंटी एलर्जिक केमिकल तैयार करते हो, एंटी एलर्जिक केमिकल तैयार करते हो, ओके। सो कॉजेस एंटी एलर्जिक रिस्पॉन्स, सो दे आर इन्वॉल्व इन, मतलब ये खुद एलर्जी नहीं करते, एलर्जी जो होती है उसको मतलब उसको क्या बोल सकते हैं, उसको ये इनिबिट करने की कोशिश करते हैं, ट्राई टू इनिबिट और लोअर डाउन द एलर्जिक रिस्पॉन्स। सो दे आर एंटी एलर्जिक इन नेचर। कैसे है ये? एंटी एलर्जिक है। अगर कोई एलर्जी एलर्जी पता है ना आपको, कोई यस सर। मतलब जब हमारी इम्यून सिस्टम ना बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स दिखाती है ना तो उसको ये बोलते हैं एलर्जिक रिएक्शन बोलते हैं, या हाइपर इम्यूनिटी बोलते हैं। हाइपर इम्यूनिटी मतलब किस किस लोगों में ये होता है हाइपर इम्यूनिटी, कोई कोई लोगों में नहीं होता। तो अगर कोई मतलब फॉरिन बॉडीज आपकी बॉडी में आई, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, डस्ट है, पोलन्स है, या कुछ जो भी फॉरेन बॉडी है, तो ये डेंजरस होते हैं हमारे बॉडी के लिए, तो हमारी बॉडी उनको निकालने में जुट जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसा कोई फॉरेन सब्सटेंस आता है बॉडी में लेकिन वो ज्यादा डेंजरस नहीं होता, इतना हार्मफुल नहीं होता, फिर भी हमारे बॉडी को इम्यून सिस्टम को लगता है कि वो बहुत हार्मफुल है। एक्चुअली वो हार्मफुल ज्यादा नहीं है, तो उस पर टूट पड़ते इम्यून सिस्टम और जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्स दिखाती है, तो नुकसान बॉडी का भी हो जा होता है ना। अगर कोई युद्ध होगा तो उसमें जो जीतेगा उसका भी नुकसान होगा, जो हारेगा उसका भी थोड़ा बहुत नुकसान होगा, जीतेगा तो उसका थोड़ा बहुत तो होगा नुकसान, होगा कि नहीं होगा? हाँ। तो अगर कोई फॉरेन बॉडी आई है ना वैसे तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए था, क्योंकि उससे कोई हार्म नहीं है बॉडी को ज्यादा। लेकिन कोई कोई इंसान के इम्यून सिस्टम को ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ बहुत ज्यादा लड़ना चाहिए, और जितना जरूरी नहीं है उतना ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स दिखाती है, और उससे हो जाता है एलर्जी, उससे हो जाता है एलर्जी स्किन में, स्किन की एलर्जी हो सकती है, या छींके आती है ना, एलर्जी का राइनाइटिस बोलते हैं, मतलब कोल्ड होता रहता है डस्ट से, धूल से, मिट्टी से, या कोई पोलन ग्रेन से, डस्ट से, ठीक है ना। हाँ यस सर वो ज्यादा, तो उसको कम करने के लिए, एलर्जिक रिएक्शन को कम करने के लिए ये बढ़ते हैं। मतलब अगर आपका आपका मतलब अगर आपको कोई मतलब सूजन आई है, या आपको मतलब एलर्जिक ये जुकाम हो गया, सर्दी हो गई है, मतलब कोल्ड हो गई है, तो डॉक्टर अगर आपके ब्लड का रिपोर्ट कराएंगे ना तो उसमें आपका इओसिनोफिल ज्यादा मिलेगा, नॉर्मली 2 से 3%, लेकिन ये 7%, 8%, 10% ऐसा ज्यादा बढ़ सकता है उस टाइम, क्योंकि तो एलर्जी को कम करने की वो कोशिश करता है, वो खुद एलर्जी नहीं करता। इतना आपको क्लियर है? यस सर यस सर ओके। तो
उसके बाद आया न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल क्या करते, उसको क्यों बोलते हैं न्यूट्रल? न्यूट्रल मतलब वो एसिड से भी स्टेन होता है और बेस से भी स्टेन होता है। एसिड से स्टेन करो तो भी वो एसिड को स्टेन को पकड़ता है, बेसिक स्टेन दो डाई या स्टेन कलर तो भी वो एब्सॉर्ब करता है, या एसिड को और बेसिक को मिक्स करके दो तो भी ये एब्सॉर्ब करता है। ओके, मतलब उसके पास दोनों प्रकार के ग्रैन्यूल्स होते हैं, एसिडिक ग्रैन्यूल्स भी होते हैं और बेसिक ग्रैन्यूल्स भी होते हैं। तो एसिडिक ग्रैन्यूल्स क्या करते हैं, बेसिक डाई को एब्सॉर्ब करते हैं, और बेसिक डाई क्या करते हैं एसिडिक सॉरी बेसिक ग्रैन्यूल क्या करते हैं एसिडिक कलर को एब्सॉर्ब करते हैं। अंडरस्टूड? तो एंटायर डब्ल्यूबीसी की बात करें ना, तो टोटल डब्ल्यूबीसी में ये सबसे ज्यादा है, 60-65% है। तो अभी आप निकाल सकते हो 6,000 to 8,000 का 60% या 65% क्या होता है। तो उनका न्यूक्लियस मल्टीलोब्ड है, बहुत सारे लोब होते हैं उनके न्यूक्लियस के अंदर। अगर डायग्राम ऐसे ड्रॉ किया ना, तो इनके न्यूक्लियस सपोज ये सेल है, ये तो लास्ट डायग्राम निकालता हूँ उसकी, सबकी सबके डायग्राम लास्ट में निकालता हूँ, ठीक है चलेगा? यस सर। आई ड्रॉ द डायग्राम एट द एंड। ओके, तो बहुत सारे लोब्स होते हैं इनके न्यूक्लियस के अंदर, और ये फैगोसाइटिक सेल है। फैगोसाइटिक मतलब क्या, ये सुडोपोडिया प्रोड्यूस करते हैं, और सुडोपोडिया की वजह से दे कैन ट्रैप द फॉरेन पार्टिकल। कोई बाहर का बैक्टीरिया आया है या कोई वायरस आया है या कोई भी मतलब फॉरेन पार्टिकल जिससे हमारे बॉडी को खतरा है, तो उसको खा जाता है, तो उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ओके, क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। तो ये माइक्रो पोलिसमैन क्या है मैं बताऊंगा आपको। ओके, और ये मोटाइल भी होते हैं। क्या होते हैं ये? मोटाइल, क्योंकि उनके पास मोटाई सुडोपोडिया है। सुडोपोडिया है तो मूवमेंट करेंगे ना, क्योंकि उनको जाना है जहां पे कोई फॉरेन बॉडी है उसको खाने के लिए, चोरी छुपे उसको वहां पे जाना है। सुडोपोडिया है तो जा सकते हैं उधर, ठीक है? तो उनको अमीबॉइड भी बोलते हैं। अमीबॉइड मतलब अमीबा, आपको पता है ना अमीबा के पास कैसे होते हैं सुडोपोडिया, वैसे ही सुडोपोडिया इनके पास सर। भी होते हैं। तो जिस किसी सेल के पास सुडोपोडिया है ना अमीबा की अलावा, तो उसको अमीबॉइड सेल बोलते हैं। अमीबॉइड मतलब अमीबा की तरह के सेल, मतलब उनके पास सुडोपोडिया है। तो आपको न्यूट्रोफिल इओसिनोफिल क्लियर है? यस ओके, अभी फिर बात करेंगे बेसोफिल की। तो ये सबसे कम है, उनका परसेंटेज सिर्फ 0.521, मतलब लेस देन 1% है ये। और दे कैन बी स्टेन बाय बेसिक डाई, मतलब इनके पास एसिडिक ग्रैन्यूल्स है इनके साइटोप्लाज्म के अंदर, तो बेसिक डाई ही वो एब्सॉर्ब करेंगे, अपोजिट टाइप का केमिकल एब्सॉर्ब करते हैं। ओके, अपोजिट टाइप का सर। केमिकल वो एब्सॉर्ब करते हैं। मतलब ये बेसिक डाई क्या होता है, एग्जाम्पल क्या है बेसिक डाई का? मिथिलिन ब्लू, एक ब्लू कलर का केमिकल होता है मिथिलिन ब्लू, अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, यस सर। और इनके न्यूक्लियस में कितने लोब होते हैं? 3 लोब्स होते हैं, ट्राइलोब। एंड इनका न्यूक्लियस थोड़ा सा ट्विस्ट रहता है, ट्विस्टेड, अंडरस्टूड? यस सर। ओके, यस तो ये एस शेप्ड है। तो ये क्या बनाते हैं, ये 3 प्रकार के केमिकल बनाते हैं, 3 प्रकार के केमिकल। एक तो है हिपेरिन, दूसरा है हिस्टामाइन, और तीसरा है सिरोटोनिन। ओके, 3 प्रकार के केमिकल बनाते हैं, हिपेरिन, हिस्टामाइन एंड सिरोटोनिन। एंड दे आर इन्वॉल्व इन इंफ्लामेटरी रिएक्शन। इंफ्लामेशन का मतलब पता है क्या आपको? इंफ्लामेशन का मतलब क्या होता है? यस, एनीबडी? यस, सर स्वेलिंग। स्वेलिंग। बिल्कुल सही, आप डरते क्यों बेटा? आपको पता है ना, अगर गलत हो जाएगा तो मैं हूं ना, मैं थोड़ा ही आपका टेस्ट ले रहा हूँ। हाँ यस सर। यस,
आप बच्चे ना बिल्कुल घबराओ मत, मैं कोई पुलिसमैन नहीं हूं ना। अगर आप तक मतलब गलती होगा तो गलती होना चाहिए, गलती गलती माफ है, सारी गलतियां माफ है, ठीक है ना। यस सर। ओके तो मतलब आप कोशिश करो। कोई कोई बच्चे ना जानबूझ के फेंकते हैं आंसर, तो वो तो नहीं करना चाहिए, लेकिन गलती से गलती हुआ तो चलेगा ना, नो इश्यू। यस सर। और आप में से कोई फेंकने वाला से मुझे लगता नहीं, तो आप गलती करोगे तो ही आपको पता चलेगा ना कि मेरा गलत था, तो मेरा सही, मुझे सही क्या सही पता होना चाहिए। हाँ यस सर। ओके ओके ओके। तो ये बिल्कुल सही है आपने कहा सेजल बेटा, कि ये जो है ना इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग होता है, स्वेलिंग। ओके तो ये स्वेलिंग होना भी जरूरी होता है। अगर किसी कोई कहाँ पे इंजरी है, कहाँ पे कोई इन्फेक्शन हुआ है, कहाँ पे कट हो गया है, ठीक है ना, कोई एब्रेजन हुआ है, एब्रेजन टिश्यू का मतलब कोई मतलब उधर का ये पार्ट चला गया है, स्किन का कवरिंग कट गया, कट हो गया है, कहाँ पे रब हो गया है। ओके तो उधर स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन होना जरूरी है, क्योंकि वो एक प्रकार का इम्यून रिस्पॉन्स होता है। उधर का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है, ठीक है ना, थोड़ा बढ़ता टेम्परेचर तो उसमें बैक्टीरिया या जो फॉरेन ये होते हैं ना वायरस वगैरह, वो थोड़ा कम बढ़ते हैं, मतलब ज्यादा टेम्परेचर में थोड़ा कम ग्रो करते हैं, ठीक है। यस सर। ओके तो अगर सर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा ना उसका, तो ज्यादा ग्रो करेंगे, बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे तेजी से, ठीक है। ओके तो ये इन्फ्लेमेशन में एक होता है टेम्परेचर बढ़ता है, दूसरा क्या होता है कि वहां से ना केमिकल सिग्नल निकलते हैं, और वो केमिकल सिग्नल ना WBC को और बाकी के जो सेल्स होते हैं ना उसको बुलाते हैं उस टाइम उस जगह पर। तो उससे क्या होता है कि उधर जो भी डेड सेल्स है, डेड टिश्यूज है, उसकी गंदगी फैल सकती है ना, या कोई भी उधर सपोज बैक्टीरिया है, वायरस है, वो भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो उनको कम करने के लिए WBC को केमिकल मैसेज देते हैं, तो इन्फ्लेमेशन से हो जाता है, ठीक है ना। यस सर। तो जहां पे भी यस इंजुरी सर। है, जहां पे भी इंजुरी या जख्म कोई है, तो उधर इन्फ्लेमेशन होना जरूरी है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम सही सही मायने में काम कर रहा है, दैट इज इम्यूनिटी, दैट इज अ टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। ओके तो उसके लिए ना इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन होने के लिए ये काम करते बेसो के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि ये बेसोफिल कुछ ज्यादा ही ये सब बनाते हैं, हिस्टामाइन वगैरह कुछ ज्यादा ही बनाते हैं, जरूरत जरूरत से ज्यादा ही बनाते हैं कब कब कोई कोई पर्सन की बॉडी में, तो बहुत ही ज्यादा सूजन होती है, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा सूजन होती है। लेकिन नॉर्मली तो सूजन जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा भी हो सकती है अगर ये केमिकल ज्यादा बनाया तो। फिलहाल हम उसकी तो बात नहीं करेंगे, हम इतना ही समझ ले कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं बेसोफिल। क्लियर सबको? यस सर। यस सर। ठीक ओके ओके ओके। तो अभी ये ग्रैन्यूलोसाइट्स खत्म हो गए तीन टाइप के। अगर आपको कोई पूछे तो कितने हैं टोटल ग्रैन्यूलोसाइट्स, तो हमने देखा 60-65% तो न्यूट्रोफिल है, 2-3% तो इसिडोफिल है, और 0.5-1% तो ये है बेसोफिल है। तो कुल मिला के 68-69 70% रफली आप मान सकते हो, 70%, और बाकी के जो बचे 30% अप्रोक्सीमेटली वो रहेंगे अग्रैनुलोसाइट्स, वो क्या रहेंगे अग्रैनुलोसाइट्स रहेंगे, ठीक है। ओके यस सर। यस सर। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे अग्रैनुलोसाइट्स, उनमें दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, वो कौन कौन से है, मोनोसाइट्स और दूसरे लिम्फोसाइट्स। देखो सबसे ज्यादा सेल्स कितने किसके हैं, सबसे ज्यादा सेल्स किसके हैं, न्यूट्रोफिल के। सबसे बड़े सेल्स साइज में बड़े सेल्स कौन से हैं, मोनोसाइट्स। सबसे ज्यादा लोब्स कितके किसके पास होते हैं, न्यूट्रोफिल के। ओके और अग्रैनुलोसाइट्स है ना, इनके इनके अंदर कोई न्यूक्लियस के लोब्स नहीं होते, लेकिन फिर भी न्यूक्लियस का शेप अलग अलग होता है। मतलब ये जो मोनोसाइट्स होते हैं ना, मोनोसाइट्स
वो तो सबसे बड़े वाले डब्ल्यूबीसी है, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है साइज में, और उनका न्यूक्लियस बीन शेप होता है। बीन शेप को पता है आपको, ये से सपोज ये सेल है और उनके पास ये बीन शेप न्यूक्लियस, राइट, बीन शेप या यस सर, हॉर्स शू शेप, मतलब ऐसे हॉर्स शू शेप न्यूक्लियस होता है, या बीन शेप या किडनी शेप भी बोल सकते हो। और ये फैगोसाइटिक है, फैगोसाइटिक न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों फैगोसाइटिक है। तो अगर मोनोसाइट को क्या बोलते हैं, मैक्रोपोलिसमेन बोलते हैं, और जो न्यूट्रोफिल होते हैं ना उसको बोलते हैं माइक्रोपोलिसमेन। पोलिसमेन क्यों बोलते हैं कि दोनों फैगोसाइटिक है, लेकिन न्यूट्रोफिल छोटे साइज साइज में छोटे होते हैं और ये साइज में सबसे बड़े होते हैं, तो उसको बोलेंगे मैक्रो, और उसको न्यूट्रोफिल को बोलेंगे माइक्रो। तो दोनों पोलिसमेन है, पोलिसमेन मतलब दे आर फैगोसाइटिक सेल्स। अंडरस्टूड? यस सर, ओके। सो दे आर मॉडिफाइड मैक्रोफेज, मैक्रोफेजेस का ही एक टाइप होता है। मैक्रो मतलब लार्ज एंड फेज मतलब फैगोसाइटिक सेल, फैगोसाइटिक सेल। तो बड़े फैगोसाइटिक सेल होते हैं, मतलब मैक्रोफेज होते हैं, उसमें भी मॉडिफिकेशन होके मोनोसाइट बनते हैं। और उसके बाद आया लिम्फोसाइट, तो ये तो 6-8% है, लिम्फोसाइट 20-25% है। मतलब सबसे अबंडेंट कौन से है, न्यूट्रोफिल, सेकेंड मोस्ट एबंडेंट कौन से है, लिम्फोसाइट, थर्ड मोस्ट एबंडेंट कौन से है, मोनोसाइट, फोर्थ मोस्ट एबंडेंट कौन से है, इओसिनोफिल, और सबसे कम कौन से है, बेसोफिल। ओके, तो लिम्फोसाइट्स में दो प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। और ये दोनों होते हैं ना वो इम्यून रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व है, दोनों किस में इन्वॉल्व है, इम्यून रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व है। इतना आपको क्लियर है क्या? यस सर। ओके, अगर इतना ये क्लियर yes. है तो आप थम्स अप कर सकते हैं, अदरवाइज कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। यस यस, कम ऑन फास्ट। यस, सबको? यस सर, यस सर, यस, ओके, गुड। यस, ओके ओके। सो आगे बढ़ेंगे, ये थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं, लिम्फोसाइट्स के बारे में। ये लिम्फोसाइट दो प्रकार के होते हैं, एक है बी लिम्फोसाइट्स और दूसरे है टी लिम्फोसाइट्स। आपको दिख रहे हैं बी लिम्फोसाइट्स? यस सर। आपको स्लाइड व्हाइट दिख रहे हैं क्या? नो सर। हाँ, ओके ओके ओके, नो इश्यू। मेरे मोबाइल में थोड़ा व्हाइट दिखा तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। देखो थोड़ा सा जानेंगे क्योंकि वो आगे जाके भी ये काम आने वाला है हमारे 12th स्टैंडर्ड में, तो थोड़ा सा जानेंगे हम लोग, हालांकि अभी इतना जरूरी नहीं है, फिर भी जानेंगे थोड़ा। तो देखो
विल लिम्फोसाइट्स कहाँ पे बनते हैं? दे आर प्रोड्यूस इन द बोन मैरो, बोन मैरो के अंदर ये बनते हैं, ओके और उनका मैच्यूरेशन भी बोन मैरो के अंदर ही होता है, बोन मैरो के अंदर बनते हैं, मैच्यूरेट भी होते हैं बोन मैरो के अंदर, और वो बनाते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी का मतलब क्या है? ह्यूमर का मतलब है बॉडी का फ्लूइड, और बॉडी में कौन से फ्लूइड होते हैं? देखो सलाइवा हमारा बॉडी का फ्लूइड है, ब्लड है, लिम्फ है, टिश्यू फ्लूइड है, या इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं ना, ये अलग अलग टाइप का बॉडी फ्लूइड है। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। ओके। यस सर। क्या होता है, जैसे ही कोई एंटीजन आता है, एजी का मतलब है एंटीजन, एजी का मतलब है एंटीजन, एंटीजन मतलब कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, जैसे कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, कोई डस्ट है, कोई पोलन ग्रेन्स है, जो भी कोई बाहर का जो है जिससे हमारे बॉडी को थोड़ा डेंजर है वो एंटीजन बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस हमारे बॉडी के अंदर आ गया एंटीजन, तो उससे क्या होता है कि बी सेल का होता है स्टिम्युलेशन, और बी सेल प्रोलिफरेट होते हैं, मतलब बहुत ही रैपिड उनका डिवीजन होता है। एंटीजन, उनका कॉन्टैक्ट एंटीजन से हुआ तो वो तुरंत फास्ट, वेरी फास्ट डिवीजन करते हैं और बहुत सारे प्रोजेनी सेल्स बनाते हैं, और वो प्रोजेनी सेल्स दो टाइप के होते हैं, एक तो प्लाज्मा सेल्स और दूसरे होते हैं मेमोरी बी सेल्स, प्लाज्मा बी सेल्स एंड मेमोरी बी लिम्फोसाइट, बी सेल्स मतलब बी लिम्फोसाइट्स। तो ये जो बी प्लाज्मा बी सेल्स होते हैं ना, वो एंटीबॉडीज बनाते हैं, एंटीबॉडीज का मतलब होता है गैमा ग्लोबुलिन या इम्यूनोग्लोबुलिन, उनको शॉर्टकट में लिखते हैं एबी, एजी का मतलब एंटीजन, एबी का मतलब एंटीबॉडी, क्लियर? यस सर। यस सर। तो प्लाज्मा सेल्स क्या बनाते हैं? एंटीबॉडी बनाते हैं, और ये फिर एंटीबॉडी होता है ना, वो कहाँ पे रिलीज होता है? ये ह्यूमर में या कोई बॉडी के फ्लूइड में रिलीज होता है, जैसे कि सलाइवा है, या ब्लड है, या बॉडी का कोई भी फ्लूइड है, तो उसमें रिलीज होता है एंटीबॉडी, ओके और वो एंटीजन से लड़ता है, ये जो फॉरेन सब्सटेंस आया था ना हमारे बॉडी में, उससे लड़ता है, और उससे क्या होता है कि जो भी उसमें ज्यादा स्ट्रांग होता है ना, वो जीत जाता है बाद में, ठीक है ना, क्लियर? यस सर। यस सर। तो कोई कभी कभी क्या होता है कि एंटीबॉडीज कम पड़ते हैं, एंटीजन का लोड बहुत ज्यादा होता है, ऐसा कुछ कुछ होता है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे अभी, इतना ही ध्यान रखें कि एंटीजन आते हैं तो बी सेल्स को स्टिम्युलेट होता है, बी सेल्स बहुत ज्यादा प्रोजेनी सेल्स बनाते हैं, प्लाज्मा बी सेल्स एंड मेमोरी बी सेल्स, उसमें से मेमोरी बी सॉरी प्लाज्मा बी सेल्स क्या करते हैं, एंटीबॉडी या गामा ग्लोबुलिन या इम्यूनोग्लोबुलिन, हमने देखा ना कि ग्लोबुलिन्स, फिब्रिनोजेन, अल्ब्यूमिन, दीज आर द प्लाज्मा प्रोटीन्स, वो ब्लड में भी होते हैं ना, तो ग्लोबुलिन में होते हैं इम्यून रिस्पॉन्स में, इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम की ग्लोबुलिन, ओके। और मेमोरी बी सेल्स क्या करती है, वो एंटीजन का स्ट्रक्चर कैसे है, एंटीजन का साइज कैसे है, शेप कैसे है, स्ट्रक्चर कैसे है, वो सब मेमोराइज करके रखता है। तो क्या होता है, अगर फ्यूचर में जो एंटीजन आया अभी, वो उस टाइप का या वो ही एंटीजन, उस जैसा ही एंटीजन सपोज बाद में आ गया बॉडी के अंदर, तो उस टाइम ना मेमोरी बी सेल्स की मेमोरी होती है ना, वो ट्रिगर होती है, और उसको पता चलता है कि ये तो बंदा पहले आया था हमारे कॉन्टेक्ट में, तो वो बहुत ही फास्ट एंटीबॉडी बनाता है, ओके तो अगर सेम टाइप का एंटीजन या सेम टाइप का जो फॉरेन सब्सटेंस है अगर बॉडी में आता है ना, तो सेकेंड टाइप या नेक्स्ट सब्सिक्वेंट टाइप जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो फास्ट होता है मेमोरी की वजह से, क्लियर आपको? यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके। और दूसरे आ गए टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स कहाँ पे बनते हैं? बोन मैरो में बनते हैं, क्योंकि कोई भी ब्लड सेल बोन मैरो में ही बनता है, लेकिन ये जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, उनका मैच्योरेशन हमारे थाइमस ग्लैंड, एक चेस्ट में हमारे छाती के अंदर, चेस्ट के अंदर एक ग्लैंड होती है, उसको थाइमस ग्लैंड बोलते हैं, वो थाइमस ग्लैंड एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं थाइमिक हार्मोन। तो ये थाइमिक हार्मोन ये इमैच्योर टी लिम्फोसाइट्स को मैच्योर टी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं थाइमस ग्लैंड में। और जैसे ही एंटीजन आता है ना, तो क्या होता है, टी सेल्स भी, बी सेल भी होते हैं स्टिमुलेट, और टी सेल भी स्टिमुलेट होते हैं, और टी सेल भी बहुत फास्टली डिवाइड होना शुरू करते हैं। बी सेल्स ने दो टाइप के सेल को बनाया था, प्रोजेनी सेल को, ये टी सेल्स चार टाइप के सेल्स को बनाते हैं, एक तो टीएच सेल्स, दूसरा टीसी सेल्स, तीसरा टीएस, और चौथा होता है, फोर्थ टाइप ऑफ टी सेल्स आर कॉल्ड टीएम सेल्स। तो टीएम सेल मतलब मेमोरी टी सेल्स, उनका फंक्शन सेम है जैसे कि मेमोरी बी सेल, ओके वो भी क्या करते हैं, मेमोरी रखते हैं एंटीजन का,
और टीएच सेल्स क्या करते हैं, टीएच मतलब हेल्पर टी सेल। तो ये हेल्पर टी सेल ना, इसको हेल्पर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हेल्प करते हैं बी सेल को, जो बी सेल एंटीबॉडी बनाती है मतलब ह्यूमरल इम्यूनिटी करती है ना, उनको ये स्टिम्युलेट करता है। ओके, स्टिम्युलेट करते हैं एंटीबॉडी बनाने के लिए स्टिम्युलेट करते हैं। और जो टीसी होता है ना, टीसी उसका नाम है साइटोटॉक्सिक टी सेल। तो ये केमिकल बनाते हैं पुरिंस नाम का, और वो एंटीजन के अंदर पोर्स करता है, पोर्स पुल बनाता है और उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। और जो टीएस है, टीएस का मतलब है सप्रेसर टी सेल। ये क्या करता है, खुद के इम्यून सिस्टम को, इम्यून सेल को सप्रेस करता है। अब ये कैसा होता है, क्यों होता है, इसमें नहीं जाएंगे अभी, लेकिन इतना सिर्फ थोड़ा सा इतना ध्यान रखो, या फिर आप ये भूल भी गए तो चलेगा, आप इतना ध्यान रखो बी सेल्स एंड टी सेल्स आर इन्वॉल्व इन इम्यूनिटी। लेकिन मैंने थोड़ा सा आपका बेस पक्का करा इधर, क्योंकि आगे जाने के बाद इसमें हेल्प होने वाला है। तो क्या आपको टी लिम्फोसाइट्स क्लियर है? यस सर। ओके, अगर क्लियर है तो थम्स अप कर सकते हो, एक ही बच्ची बोल रही है, बाकी के बच्चे बोल नहीं रहे, एटलीस्ट थम्स अप कर सकते हो। यस, तीसरा वन फास्ट, अगर कोई समझ में नहीं आया तो वी कैन आस्क मी। ये थोड़ा ना डेटा टाइप है डेटा, तो उसमें कुछ समझाना ज्यादा ज्यादा तो कंसेप्ट नहीं है, तो मैं फास्ट फास्ट थोड़ा सा ले रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा सा जल्दी हो रहा है तो भी बता सकते हो, सर थोड़ा सा स्लो करो, या जो भी आपका है आपके अनुसार मैं मेरा स्पीड या जो भी है वो मॉड्यूलेट करूंगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है कम्प्लीट करने के सिलेबस, हमारा सिलेबस ठीक ठाक चल रहा है। ओके, तो ये आपको समझ में आ रहा है सबको, है ना? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, देखते थोड़े से 8-10 मिनट बचे हमारे पास। ओके, टी लिम्फोसाइट्स हो गया। अभी जो तीसरे टाइप के सेल्स होते हैं ना, उसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। हमने आरबीसी देख लिया, हमने डब्ल्यूबीसी देखा, ग्रैनुलोसाइट्स और ग्रैनुलोसाइट्स, हाँ। उसके बाद आया प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। ये थ्रोम्बोसाइट्स भी एक्चुअली ना न्यूक्लियस नहीं उनके अंदर। एक्चुअली क्या होता है ना, एक बड़ा सेल होता है मेगा कैरियोसाइट। वो मेगा कैरियोसाइट का होता हो जाता है फ्रेगमेंटेशन, टुकड़े टुकड़े बन जाते हैं, और उससे बनते प्लेटलेट्स। क्या बनते हैं उससे? प्लेटलेट्स बनते, फ्रैगमेंटेशन ऑफ मेगा कैरियोसाइट। और इनका नॉर्मल नंबर कितना होता है? 1.5 लाख से 3.5 लाख होता है पर mm³ ऑफ द ब्लड। ओके, mm³ ऑफ ब्लड। मतलब ये आरबीसी से कम है लेकिन डब्ल्यूबीसी ज्यादा होते हैं, ठीक है? यस सर। अगर इनका नंबर नॉर्मल से कम हो गया ना, कम तो कम को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, साइटोपेनिया बोलते हैं, और ज्यादा को बोलते हैं साइटोसिस। तो ज्यादा हुआ तो थ्रोम्बोसाइटोसिस, कम हुआ तो साइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और आपको पता है ना, जब डेंगू फीवर आता है ना, डेंगू फीवर पता है आपको? यस सर। यस सर। तो इनका नंबर कम होता है ना। ओके, ठीक है। Yes, sir. They produce, उनका फंक्शन क्या है? They produce various factors, most of which are involved in clotting of blood, coagulation. मतलब जब कोई कट होता है, उससे ब्लड बाहर आता है ना, तो ब्लड का क्लॉट होना जरूरी होता है, नहीं तो सारा ब्लड बह जाएगा और डेथ भी हो सकती है। छोटा छोटा मतलब कोई गोली मारने की जरूरत नहीं है, छोटा सा एक पिन लाया, वो टिच किया ऐसा, तो उसे तो धीरे 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 सारा ब्लड बाहर, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कौन करता है काम? ये थ्रोम्बोसाइट्स भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और वो क्लॉटिंग करने के लिए करने का काम करते हैं ब्लड के अंदर। अंडरस्टूड? जब कोई इंजरी हुआ है, जब कोई ब्लड लॉस हो रहा है तो ही करते हैं, नहीं तो नहीं करते, ठीक है ना? यस सर। ओके ओके। यस सर। तो ये इनका नंबर अगर बहुत कम हुआ ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर 40,000 हो गया, 40,000, तो उसको क्रिटिकल बोलते हैं।
अगर 40,000 हो गए प्लेटलेट का नंबर ना, तो उसमें ना पेशेंट को ब्लड का या प्लेटलेट से या ब्लड चढ़ाना पड़ता है, ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। ओके, तो यस इतना सर। तो हमारा हो गया, हमने देख लिया ब्लड का, तो ब्लड का सारा खेल खत्म हो गया हमारा। तो प्लेटलेट्स क्लियर है आपको? यस सर। इफ यू आर डन विद प्लेटलेट देन प्लीज थम्स अप। यस कम ऑन फास्ट, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी प्लीज। यस यस, सबको पार्टिसिपेट होना चाहिए, सिर्फ बैठने से, खाली बैठने से कुछ नहीं होगा लेक्चर में, ठीक है ना। ओके, सो अभी हम लोग थोड़ा सा, एक 5 मिनट है, 3 4 मिनट है, तो विल ड्रॉ द डायग्राम फॉर WBC, राइट। यस देखो, तो पहले हमने आरबीसी का तो डायग्राम डाला था, आरबीसी का तो पता है आपको, आरबीसी इसका डायग्राम पहले भी हमने देखा कि ऐसे ओवल होते हैं, राइट, राउंडेड ओवल होते हैं, साइड से देखो तो ऐसे लगते हैं बाइकॉन के या डंबल शेप, राइट, दिखते हैं ना ऐसे साइड से। सर। अभी इसे इतना अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन आप समझ सकते हो इससे, बाइकॉन। ओके, ओवल बाइकॉन के आरबीसी। WBC में आपको पता है कि WBC में क्या क्या है, न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल कैसे होते हैं, मल्टी लोग। तो सपोज ये है उसका साइटोप्लाज्म, सपोज न्यूक्लियस है, तो ये ऐसे लोग जो होते हैं बहुत, मल्टी लोब न्यूक्लियस। ओके, तो उसको इसलिए, ये न्यूट्रोफिल को और एक है, न्यूट्रोफिल को और एक बोलते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, पॉली WBC को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं WBC को, ल्यूकोसाइट्स ल्यूकोसाइट तो बोलते हैं, लेकिन और क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिक ना, न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉलीमॉर्फिक ना, यस सर। ओके, तो पॉलीमॉर्फिक बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिक सेल। और न्यूट्रोफिल को स्पेशली क्या बोलते हैं, पीएमएनएल, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। ये सिर्फ इसको ही बोलते हैं, न्यूट्रोफिल को ही बोलते हैं, बाकी के WBC को नहीं बोलते, ठीक है, क्लियर। उसके बाद इओसिनोफिल, इओसिनोफिल तो आपको पता है ना, इओसिनोफिल में क्या होता है, ये ग्रैन्यूल्स पिक निकालेंगे हम लोग, ग्रैन्यूल्स रहेंगे बाद में। इओसिनोफिल, इओसिनो के पास, फिल के पास कितने कितने लोब्स हैं, दो लोब है ना, बाय लोब, बाय लोब, इधर मल्टी लोब न्यूक्लियस। मिनट में मैं खत्म कर रहा हूं।
उसके बाद बेसोफिल है, बेसोफिल के अंदर छटिया ये क्या हुए, बेसोफिल के अंदर तीन तीन लोब होते हैं, लोब न्यूक्लियस के ट्राई लोब कितने होते हैं, थ्री लोब्स, थ्री लोब्स, थ्री लोब्स, तो ऐसे डाल सकते हैं, ये एक सपोज है, ठीक है ट्राई लोब, या ऐसा भी हो सकता है उसका ट्विस्टेड थोड़ा, ये थोड़ा सा शेप अच्छा नहीं आ रहा है लेकिन मुझे टाइम नहीं है अभी, तो ऐसे तीन लोग हो सकते हैं उसके, क्लियर? यस सर, यस तीन लोग पूरा समझ लो, ट्राई लोग न्यूक्लियस, उसके बाद क्या आया मोनोसाइट ना, यस सर, मोनोसाइट बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, लार्जेस्ट, और उनका न्यूक्लियस होता है ऐसे हॉर्सशू शेप, और उसके बाद लिम्फोसाइट्स, उनका न्यूक्लियस ऐसा होता है अंडे जैसा ओवल, ठीक है ना, यस सर, किडनी बीन हॉर्स हॉर्स शू शेप न्यूक्लियस, इसे शेप न्यूक्लियस, ओवल न्यूक्लियस, इसका ओवल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, क्लियर? ठीक है हम लोग रुकते हैं अभी, कल मिलेंगे, थैंक यू, गुड नाइट सर, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर, यस गुड नाइट, गुड नाइट सर।